हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्री ऑपरेटिव केयर टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पेशेंट की सर्जरी से पहले उसे बहुत ही क्लोजली देखना होता है कि वो सर्जरी के लिए ठीक है या नहीं, फिट है या नहीं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सर्जरी के टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे सर्जरी से पहले जो उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, जो उसका देख रेख करेंगे, उसे प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्री ऑपरेटिव केयर में इंट्रोडक्शन को देखेंगे, क्या होता है वो, ठीक है, प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है ये देखेंगे। फिर उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर, यानी कि इसमें क्या क्या हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर में करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इंश्योर्स दैट द पेशेंट इज एज फिट एज पॉसिबल फॉर सर्जरी एंड एनेस्थीशिया। यानी कि ये एक तरह का असेसमेंट है, ये इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट जो है वो फिट है अपनी सर्जरी के लिए और अपनी एनेस्थीशिया के लिए, यानी जो एनेस्थीशिया और सर्जरी उसका होना है उसके लिए वो सही है, फिट है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके शरीर में, उसके वाइटल्स भी नॉर्मल हैं, मेंटली फिजिकली भी वो फिट है, सोशली फिट है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो एकदम फिट है, सब कुछ उसका नॉर्मल है। तो ये सब चेक करते हैं हम लोग प्री ऑपरेटिव में। तो ये क्या, एनेस्थीशिया का मतलब क्या होता है कि बेहोश करना, ठीक है, बेहोशी जो है वही एनेस्थीशिया है, और सर्जरी तो आप लोग जानते ही हैं जो ऑपरेशन उसका होना है। फिर हमारा है कि इट्स शुड टेकन इनटू अकाउंट द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ द पेशेंट अंडर गोइंग सर्जरी। इसमें हम लोग क्या क्या ध्यान देते हैं, उसमें हम लोग पेशेंट का फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी वो पूरे उसका जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल हो, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे उसका डायबिटिक पेशेंट है तो उसका शुगर नॉर्मल हो, वो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हो तो बीपी उसका ज़्यादा हाई ना हो, नॉर्मल हो। फिर उसका जो वाइटल्स में बीपी हो गया, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, उसका टेम्परेचर, मतलब सब कुछ जो उसका बॉडी से रिलेटेड है वो नॉर्मल हो, उसका जो ब्लड वगैरह हो वो सब भी सही हो, ठीक है। फिर इसमें हम लोग साइको सोशल देखते हैं, तो साइको सोशल क्या हो, मेंटली फिट हो, ठीक है, वो मेंटली कोई स्ट्रेस ना ले रहा हो, अगर स्ट्रेस में है तो उसकी बीपी बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका जो भी नॉर्मल लेवल है शरीर का वो सब एबनॉर्मल हो जाएगा। फिर उसका क्या है कि सोशल नीड्स, उसे कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यानी सामाजिक वो टेंशन ना ले कि अगर हमको ये बीमारी है तो उससे हमारा कोई रिश्ता नाता ना टूट जाए, फैमिली का वो टेंशन ज़्यादा ना ले, मतलब ये सब चीज़ सोशल नीड्स पे ध्यान देंगे उसका, ठीक है। तो ये सब सर्जरी से पहले ये सारे स्टाफ का काम होता है कि वो उसको ये केयर प्रोवाइड करे, सर्जन हो गए, एनेस्थीशिया वाले हो गए, ये सब ध्यान देते हैं ऑपरेशन से पहले, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट मेनली क्या इंश्योर करता है, पेशेंट का फिटनेस को, ठीक है, ताकि सर्जरी से पहले पेशेंट ठीक हो एकदम, उसे कोई उसमें एबनॉर्मलिटी ना हो। अब हम लोग देखेंगे सर्जरी की क्लासिफिकेशन को, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी। द टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीडर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो सर्जिकल प्रोसीडर का टाइप है वो दो बेसिस पे हम लोग इसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला बेसिस जो है वो है सीरियसनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, वो कितना सीरियस है, ठीक है। अगर उसका ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसके लिए मेजर सर्जरी करते हैं, अगर बहुत कम, अभी ज़्यादा फैला नहीं है कोई बीमारी, ठीक है, और उसको छोटा सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग माइनर सर्जरी करेंगे। तो सीरियसनेस के अकॉर्डिंग दो टाइप में, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी। फिर अर्जेंट, दूसरा जो बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं वो है अर्जेंसी, ठीक है, कितना अर्जेंट है वो। तो ये दो तरह के हैं, इलेक्टिव और इमरजेंसी। तो इलेक्टिव कैसा है केस, तो वो बहुत ही पहले से डिसाइड हो चुका है डेट, ठीक है, पेशेंट को जांच कर लिए हैं और जैसे टेस्ट वगैरह हो गया, पेशेंट का कंडीशन देख लिए हैं और उसके लिए एक डेट निर्धारित कर दिए कि आपको इस डेट पे आना है, आपका सर्जरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्टिव। और इमरजेंसी क्या है कि इमरजेंसी का मतलब ही समझ रहे, आपातकालीन, ठीक है, यानी अचानक से किसी का जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कहीं पर कोई घटना हो गया, तो ये सब क्या है, इमरजेंसी है,
तो ये सब इमरजेंसी कंडीशन में जिसका सर्जरी करना रहता है तो वो हमारे इमरजेंसी में आते हैं, यानी अचानक से आए, कोई डिसाइड नहीं है, कोई प्लान नहीं है उसके लिए, और उसका सर्जरी वहाँ पे फिर करना होता है, तो वो इमरजेंसी हो गया, इसके लिए कोई डेट डिसाइड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्री ऑपरेटिव सर्जिकल फेज। पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स मीट मेनी हेल्थ केयर पर्सनल इंक्लूडिंग सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ETC। ठीक है, मतलब सबसे जो पहला फेज है उसमें क्या होता है, पेशेंट जो हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स यानी अटेंडेंट जिन्हें कहते हैं, वो सब किससे मिलते हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलते हैं, जिसमें हमारे जो सबसे पहले सर्जन हैं, डॉक्टर, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, नर्स हैं, स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोग से मिलते हैं। तो डॉक्टर के पास गए तो वो आपको देखता है, आपसे पूछते हैं बहुत सारे सवाल, क्या दिक्कत है, कब से है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि आपका सर्जरी होना है या ऐसे मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, सर्जरी होना है तो आपको फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है वो आपको देखेंगे, फिर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का काम होता है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट केयर एंड रिकवरी। ये सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे क्या हैं, वहाँ के स्टाफ हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस चीज़ में, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में, उसको जल्दी से उसके बीमारी से ठीक करने में, ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए और वो अपना सही सलामत घर चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, द स्टाफ एसेस द पेशेंट्स फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग एंड कल्चरल हेरिटेज, कोऑर्डिनेट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एस्टेब्लिशेज आउटकम इन कोलेब्रेशन विद द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। स्टाफ यहाँ क्या करता है कि स्टाफ एसेस करेंगे उनको फिजिकली, इमोशनली, सोशली, मतलब सारे तरीके से उसे ध्यान देंगे और उससे मतलब फिजिकली उसको केयर प्रोवाइड करेंगे और उसको देखेंगे, पूछेंगे उससे कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है, इमोशनली आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा आपके सर्जरी से रिलेटेड, ठीक है, या आपको दिक्कत क्या है, ये सब बात करेंगे, उसके फिजिकली फिटनेस को देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टाफ जो है वो देखेंगे। ठीक है, फिर कल्चरल हेरिटेज, यानी सभी लोग अलग अलग धर्म के होते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, हिंदू जो हैं वो अलग तरह के पहनावे पहनते हैं, मुस्लिम अलग तरह के पहनावे पहनते हैं, बुर्का पहनेंगे, वो सब अलग अलग पहनावा है, सिख जो होते हैं अलग पहनते हैं, जो अलग अलग धर्म के हैं उनका अलग मान्यता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उन्हें कोई अलग तरह का ट्रीट नहीं किया जाएगा, उन्हें इक्वली ट्रीट करेंगे वहाँ पे। और फिर क्या होगा कि उसको जितने भी उसके डायग्नोसिस करने हैं वो सारे टेस्ट कर देंगे और फिर जो भी आउटकम होगा, एंड एस्टेब्लिशेज आउटकम इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, फिर उसके वो पेशेंट से बात कर लिए हम लोग, उसके फैमिली से बात कर लेंगे और उससे हम लोग अच्छे से बात करके उनको समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसका फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल हेरिटेज जो यहाँ पे बातें किए हैं वो सभी क्या है, ध्यान से उसमें हम लोग नोट कर लेंगे और उसका जो डायग्नोसिस होना है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सब उनको समझा देंगे कि आप ये सब करवा लीजिए और ऐसा कोई यहाँ पे धार्मिक असमानता नहीं किया जाएगा और उनको कोई भी फिजिकली भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ समझा देंगे कि वो परेशान ना हो। अब हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं पेशेंट का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, तो पेशेंट का पहले का मेडिकल हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पूछेंगे कि इससे पहले भी आपका सर्जरी हो चुका है या फिर ये पहली बार है, या फिर वो इससे पहले कितनी बार आपकी सर्जरी हो चुकी है। ठीक है, या फिर कोई आपको बीमारी तो नहीं है, कोई पहले का हिस्ट्री हो कि कोई बीमारी चली आ रही है फैमिली, मतलब एक होता है कि जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है, तो वैसा तो नहीं है, तो या फिर कोई आपको हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ या फिर कोई और क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, तो ये सब पता कर लेंगे उसका। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, एलर्जीज, यानी किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है, एलर्जी है तो किस चीज़ से, ये सब पूछ लेंगे पहले ही। फिर थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन का मतलब है कि आप बहुत लंबे समय से कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं,
और कितने दिन लेना है ये सब पता कर लेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे कि डायबिटिक पेशेंट कोई दवा ले रहे हैं, थायराइड की दवा ले रहे हैं, या फिर हाइपरटेंशन की दवा लेनी होती है प्रॉपरली, तो ये सब चीज़ पता कर लेंगे, उससे बातचीत करेंगे, हिस्ट्री लेंगे और फिर उन सब चीज़ों को नोट कर लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमारा है फैमिली हिस्ट्री, यानी उसे जो भी बीमारी है उससे पहले भी किसी को परिवार में वो बीमारी तो नहीं है, अगर है तो इसका मतलब वो जेनेटिक बीमारी है उसकी, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे कि ये बीमारी पहले किसी को तो नहीं हुई है या फिर आप ही को पहली बार हुआ है, ये सब पता कर लेंगे सब कुछ। हिस्ट्री लेने का एक ट्रिक है, ठीक है, एम्पल, AMPLE, ठीक है। ए का मतलब होता है एलर्जी, ठीक है, एलर्जी का पता कर लेंगे। एम का मतलब होता है मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन यानी कोई मेडिसिन तो वो बहुत समय से नहीं ले रहा, ये सब पता कर लेंगे। फिर हमारा होता है पी, AMP, ठीक है। तो पी से क्या है कि प्रीवियस हिस्ट्री, पहले का हिस्ट्री ले लेंगे उसका, ठीक है, पहले का मेडिकल हिस्ट्री ले लिए। एल से हो गया कि लास्ट नाइट, यानी वो लास्ट नाइट में क्या खाया, कैसे रहा, कहाँ पे क्या चेकअप वगैरह करा, मतलब ये सब कुछ पता कर लेंगे लास्ट नाइट का। फिर होता है कि ई, ठीक है, अर्ली साइन, यानी उसे किस तरह के साइन सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ उससे पूछ लेंगे हम, ठीक है, या फिर इसका मतलब अर्ली नाइट भी होता है। अब हम लोग पेशेंट का साइको सोशल असेस करेंगे, ठीक है, साइको सोशल असेसमेंट है अब हमारा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है परसेप्शंस एंड इमोशंस ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग फोर्थ कमिंग सर्जरी, ठीक है, पेशेंट को किस तरह की फीलिंग आ रही है, ठीक है, वो जो उसका सर्जरी होने वाला है, जो सर्जरी डिसाइड हुआ है उसको लेकर उसे कोई डर तो नहीं है, उसे कोई अलग सी भावनाएं तो नहीं आ रही हैं, ठीक है, कोई भ्रम तो नहीं हो रहा उसे उसे लेकर कि हमें इस सर्जरी के बाद ये दिक्कत हो जाएंगी, हम मर तो नहीं जाएंगे या फिर सब लोग मेरे से दूर रहने लगेंगे, मतलब ये सब डर तो नहीं आ रहा उसके अंदर। इस सब के लिए उसे हम लोग ऐसे उसे समझाएंगे, उसकी फीलिंग्स को जानेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है पेशेंट्स फीलिंग अबाउट एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। थर्ड पॉइंट है अवेलेबल केयर एंड सपोर्ट फैसिलिटीज। तो पेशेंट की फीलिंग कैसी आ रही है एनेस्थीसिया और सर्जरी को लेकर, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, वहाँ पे कैसा केयर उसे दिया जाएगा, ठीक है, उसे कैसी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उसे एनेस्थीसिया में कोई दिक्कत तो नहीं होगी या फिर सर्जरी के दौरान दिक्कत नहीं होगी, ये सब चीज़ उसे टेंशन तो नहीं दे रहा, ये सब चीज़ उससे बात करेंगे, वो कैसा फील कर रहा है वो पूछेंगे उससे और उसे समझाएंगे कि उसे अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी, उसे अच्छे से केयर किया जाएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उसे बेहोश भी जो भी प्रोसीडर करेंगे उससे उसको उस बारे में पता होगा, उसे वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रीवियस सर्जिकल एक्सपीरियंसेस, यानी कि अभी जो उसकी सर्जरी हो रही है उससे पहले भी उसकी अगर सर्जरी हुई है तो उससे उसकी एक्सपीरियंस को ले लेंगे, उसे क्या अनुभव हुआ था, उससे प्रॉब्लम हुई होगी तो वो बोलेंगे कि इस सर्जरी में आपको वैसी दिक्कत नहीं होगी। पेशेंट को पूरी तरह से इंश्योर करेंगे कि उसे जैसे पहली बार में दिक्कत हुई थी उसे इस बार नहीं होगी और उसको अच्छे से सर्जरी की जाएगी और उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से समझा देंगे उसे ये चीज़, ठीक है। फिर होगा कि करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी पेशेंट जो होता है वो परेशान रहता है कि बहुत ज़्यादा मेरे ट्रीटमेंट में पैसे लग रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम जो है मेरे फैमिली के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए या फिर मैं फ्यूचर में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इतने ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो उसे समझाएंगे कि अगर आप ठीक होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बहुत पैसे कमा लेंगे, तो इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य रहेगा तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे, इसीलिए सबसे पहले अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग, ठीक है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं पेशेंट के। तो पेशेंट का इसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले, उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन यानी खून की जाँचें करेंगे। तो उसमें क्या क्या जाँचें करेंगे, तो CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर PT करेंगे प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, फिर PC करेंगे प्लेटलेट काउंट यानी कितने अमाउंट में कितने क्वांटिटी में प्लेटलेट हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, ठीक है, कितना उसमें ब्लड का क्या क्वांटिटी, ये सब देख लेंगे, ठीक है।
फिर वायरल मार्कर टेस्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कर लेंगे, फिर उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, CBC, LFT, KFT, SGOT, SGPT तो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए ही है, तो ये सारे टेस्ट कर लेंगे उसका, फिर उसमें उसका जो है KFT किडनी किडनी फंक्शन टेस्ट कर लेंगे, तो ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, TSH, T3, T4 ये सब थायराइड के लिए टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, इन सभी टेस्टों को करवा लेंगे और फिर इसका जो है रिपोर्ट वो उसी में डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। फिर हमारा जो सेकेंड टेस्ट है इसमें वो है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ये सभी चीज़ें अगर ज़रूरत हैं तो करवा लेने हैं। एक्सरे में चेस्ट का एक्सरे, एब्डोमेन का एक्सरे, जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उस पार्ट का एक्सरे एक्सरे ले लेंगे, CT स्कैन करवाना है तो वो करवा लेंगे, MRI करवाना है तो वो करवा लेंगे, ठीक है। फिर हमारा ECG आता है, ECG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो अब हम लोग समझेंगे ECG का मतलब क्या होता है, ECG क्यों करते हैं। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ सिंपल टेस्ट दैट कैन बी यूज टू चेक योर हर्ट्स रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सेंसर्स अटैच टू द स्किन आर यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय योर हर्ट इस टाइम इट बीट्स। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG एक तरह का टेस्ट है, साधारण सा टेस्ट है, वो क्या करेंगे कि सेंसर्स को अटैच कर देंगे आपके स्किन पर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि उससे आपके हार्ट के रिदम को वो लोग चेक करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं, सही से जनरेट हो रहे हैं या नहीं, ये सब पता करेंगे और फिर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। यही है ECG, सिंपल सा टेस्ट है हार्ट के रिदम को जानने के लिए, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेंगे, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो ये जो है इन सभी इन्वेस्टिगेशन को करवाएंगे, ये सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी हैं, पेशेंट के पूरी जानकारी होगी तभी तो उसकी सर्जरी सक्सेसफुली हो पाएगी, ठीक है। अब हमारा क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, सर्जरी कैन नॉट बी लीगली और एथिकली परफॉर्म्ड अनटिल एंड अटेंडेंट्स अंडरस्टैंड द नीड फॉर ए प्रोसीडर, ठीक है। सर्जरी तब तक कानूनी नहीं मानी जाएगी जब तक कि पेशेंट और उसके जो परिवार वाले हैं अटेंडेंट्स, उन लोग को उसकी जानकारी ना हो, ठीक है, वो समझे ही ना कि उसकी सर्जरी क्यों की जा रही है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं, कि बस पैसे बनाने के लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी करने को बोल दिया, तो ये सब चीज़ें उसे समझाएंगे, उसे इंश्योर करेंगे कि उसको क्यों सर्जरी की जा रही है, क्या क्या उसमें अल्टरनेटिव लेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें उसे समझाना होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारा द स्टेप्स इन्वॉल्विंग रिस्क एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल एज अल्टरनेटिव ऑप्शंस, यानी ये सारी चीज़ों को समझाएंगे, जिसमें क्या समझाना है कि क्या रिस्क हो सकते हैं, उससे क्या उसे हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो सर्जरी भी होगी तो उसके कुछ ना कुछ रिस्क होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ उससे बाद में उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये खुशी की बात है, वो ठीक हो जाएगा, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन वो झेल सकता है उस बड़ी बीमारी से, तो ठीक हो जाएगा। और उसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मतलब बताने हैं कि आपकी अगर लैप सर्जरी की जा रही है, यानी बंद में एक सर्जरी होती है दूरबीन से, ठीक है, मतलब उसमें पूरी तरह से बड़े से इंसीजन, बड़े से मतलब कट करके उस पार्ट को पूरी तरह से खोल के नहीं सर्जरी की जा रही है, वो बंद में किया जा रहा है लैब, लेकिन अगर वो लैब से नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसे हम लोग ओपन भी कर लेंगे, ये उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है। एक लैब सर्जरी होती है, एक ओपन होती है, लैब दूरबीन के थ्रू होता है, ठीक है, और जो ओपन है वो खुला मतलब वो कट करके होता है, उस पार्ट को बड़ा सा इंसीजन लगाएंगे, खोलेंगे पूरे पार्ट को और फिर उस पार्ट की सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को जो अटेंडेंट है, जो पेशेंट है, उसको समझाना होगा। फिर थर्ड पॉइंट हमारा है, इट इज़ सर्जन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन द प्रोसीडर एंड ऑब्टेन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसका ये जिम्मेदारी है कि वो ये सारे जो प्रोसेस हैं, प्रोसीडर हैं, वो सभी किसको समझाए, पेशेंट को समझाए, एक्सप्लेन करे उसको, और एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी एक पेपर पर वो सभी चीज़ें लिख कर, वो पेशेंट का साइन, अगर वो साइन नहीं कर पाता तो उसका जो है
मुँह हाथ ठेपा लगवा लेंगे हाथ से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, सर्जरी से पहले उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो सबसे ज़रूरी है, तभी वो कानूनी माना जाएगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर द कंसेंट फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड द नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इंश्योर दैट द फॉर्म इज प्लेस्ड इन द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। ये जब कंसेंट पूरा हो जाएगा, यानी डॉक्टर जो है वो सब कुछ समझा दिया, पेशेंट सब कुछ समझ गया, क्या क्या रिस्क होंगे, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या क्या बाद में दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से सर्जरी की जाएगी, कैसे बेहोश किया जाएगा, अगर उसको बंद में नहीं हो पा रहा सर्जरी तो खुला करेंगे, ये सब कुछ समझा देंगे। तो उसके बाद उसका साइन ले लिए, एक कंसेंट फॉर्म तैयार कर लिए, वो कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ये जिम्मेदारी होता है वहाँ के ओटी की नर्स का, स्टाफ का, कि वो उस फॉर्म को अच्छे से, उनके जो फाइल है, जो मेडिकल रिकॉर्ड का एक फ़ाइल है, उसमें वो अच्छे से रखा हो, सेफली वहाँ रहे, ठीक है, कि बाद में अगर कोई दिक्कत हो और खोजा जाए तो वो दिखाया जा सके कि हमने ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले चुका है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, वाइटल साइन क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, उसका रेस्पिरेशन रेट, मतलब वो कैसे सांस, कितने दर पे सांस ले रहा है, उसका जो हर्ट का रिदम है वो कितना है, हर्ट रेट कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, ब्लड शुगर लेवल कितना है, ये सभी चीज़ें वाइटल साइन में है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट वगैरह कर लेंगे, पता कर लेंगे और उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्टेन ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन टेम्परेचर एंड SpO2 टू एस्टेब्लिश बेसलाइन लेवल। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। फिर पल्स रेट कितना होता है, तो 60-100, ठीक है, बीट्स पर मिनट। पल्स रेट कितना होता है, 60-100 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, तो 16-24 ब्रीथ्स पर मिनट। टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, और 37 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब हमारा ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना होता है, नॉर्मल। SpO2 का फुल फॉर्म क्या है, सेचुरेशन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एट पेरीफेरी, या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन एट पेरीफेरी, तो ये कितना नॉर्मल होता है, तो 94% to 100%, ठीक है, 94% to 100%। तो ये सारे का नॉर्मल रेंज इतना है, तो ये सारे चीज़ों का जांच कर लेंगे और ये सारे नॉर्मल हैं, तो फिर हम लोग सर्जरी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी का जो ये डिसाइड किए हैं, प्लान किए हैं, वो सर्जरी कर सकते हैं। द स्टाफ मेजर अ फाइनल प्री ऑपरेटिव वाइटल साइन, इफ़ वाइटल साइन आर एबनॉर्मल, सर्जरी नीड टू बी पोस्टपोन्ड। स्टाफ जो है ये सारे वाइटल्स को लेगा और फिर उसे फाइनली रजिस्टर कर लेगा, यानी अच्छे से नोट कर लेगा, डॉक्यूमेंट बना लेंगे, ठीक है। अगर एबनॉर्मल होता है तो सर्जरी नहीं की जाती है, उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है, आगे के लिए टाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वाइटल्स नॉर्मल नहीं हुए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट जो है उसका जान भी जा सके, इसीलिए जब तक वो नॉर्मल ना हो तब तक सर्जरी को नहीं कर सकते हैं प्लान, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिव एंड सराउंडिंग एरिया, यानी कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग जो जिस साइट पे ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑपरेटिव एरिया है उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सर्जरी से पहले पार्ट प्रिपरेशन का एक टर्म आता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जिस एरिया में ऑपरेशन होने वाला है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, यानी जैसे कि पेट के ऊपर अगर हेयर्स हैं तो उसको क्या करना है कि ट्रिम कर लेना है, पूरी तरह से साफ़ कर लेना है, कोई क्रीम का यूज करके करें या फिर ट्रिमर यूज कर लें, ठीक है, उसे साफ़ कर देना है। अगर वहाँ पे हेयर रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस रहती हैं, और पेट की सर्जरी हो रही है, जैसे कि पित्त की थैली, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गया है तो उसकी सर्जरी होने जा रही है, तो आपको क्या करना है कि पेट का पूरा जो बाल है उसको एकदम साफ़ कर लेना है। ये पेट का ही नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, यानी किसी भी साइट का, किसी भी एरिया का ऑपरेशन होने वाला है
तो आपको वहाँ का जो हेयर्स है, जो बाल है, उसको एकदम क्लीन कर लेना है ताकि इन्फेक्शन वहाँ ना हो। और हेयर्स में अंदर चले जाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए ही, ये पेशेंट के लिए ही तो बताया जा रहा है कि आप साफ़ करके आइए अच्छे से, ताकि उनको आपको इन्फेक्शन ना हो और आपका जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। ठीक है, जो सर्जरी हुआ है उससे आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा, फिर अब अच्छे से बहुत कम दिन में सही भी हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फास्टिंग और नील बाई माउथ। नील बाई माउथ का जो शॉर्ट है वो है NBM। NBM का फुल फॉर्म नील बाई माउथ, जिसे हम लोग NPO भी कह सकते हैं, नील पर ओरल या नील पर ओरली। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पेशेंट शुड बी केप्ट फास्टिंग और नील बाई माउथ फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours प्रायर टू द प्रपोज टाइम ऑफ सर्जरी इफ़ द प्रोसीडर हैज़ टू बी डन अंडर रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया। इसमें क्या बोला जा रहा कि पेशेंट को अगर जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया के अंडर में सर्जरी करना है तो पेशेंट को ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर उन्हें ये बोलते हैं कि आप ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे पहले कुछ ना खाएं। ठीक है, यानी मॉर्निंग में अगर होना है तो आप रात से ही खाना बंद कर दें। ठीक है, आपको नील बाई माउथ रहना है, यानी मुंह से कुछ भी नहीं खाना, मतलब कहीं से मुंह से ही तो खाते हैं, मतलब खाना ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसमें है कि अगर आप खाते हैं तो आपको रिस्क हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि पूरी तरह से पेशेंट को बेहोश किया जाता है। अगर बड़ी सर्जरी होनी है तो उसे GA में करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में, तो उसे पूरी तरह से बेहोश करेंगे तो उसके गले में, ठीक है, मुंह के थ्रू एक ट्यूब डालते हैं। ठीक है, वो सभी इसलिए करते हैं ताकि उसे पूरी तरह से बेहोश किया जा रहा है तो आसानी से वहाँ से जो भी दवाएं हैं, वो ड्रग्स हैं, वो दिया जाए और वो अच्छे से बेहोश रहे। ठीक है, इंड्यूस रहे, मतलब अनकॉन्सियस रहे बहुत टाइम तक। तो ट्यूब डालेंगे मुँह से, तो फिर अगर वो खाया रहेगा तो वो एस्पिरेट कर सकता है, और एस्पिरेट करेगा तो उसके जो खाने की नली है, ठीक है, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया या फिर आपका जो नाक है, नाक में वो खाना आ जाए तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हो सकता है इस कंडीशन में आपका डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ से आपको मतलब सेफ़ रहना है, जब जानकारी है तो गलती क्यों करें, सही है। तो इसीलिए 6 से 8 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए सर्जरी के, ताकि कोई रिस्क ना हो आगे, रिस्क से बचने के लिए ही सर्जरी कर रहे हैं तो एक और दूसरा रिस्क क्यों ले खा के। ठीक है, तो वो वॉमिटिंग ना करे और फिर वो एस्पिरेट ना कर जाए खाने को, इसीलिए हम लोग उसे मना करते हैं कि आप 6 से 8 घंटे पहले कुछ ना खाएं। ठीक है, इसी को नील बाई माउथ या फिर नील पर ओरल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट टेटनस बाई इंजेक्टिंग टेटनस टॉक्सॉइड। टेटनस टॉक्सॉइड जो इंजेक्शन है वो टेटनस से बचने के लिए दिया जा रहा है, तो इसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि डिजीज और रिस्क से बचने के लिए प्रोफाइलेक्सिस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि टेटनस ना हो पेशेंट को, क्योंकि सर्जरी में बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट औजार का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं उससे कोई मतलब गलती से ही हो गया कोई गलती और उसे टेटनस हो जाए, ठीक है, तो टेटनस से बचने के लिए यहाँ पे टेटनस टॉक्सॉइड दे के वहाँ पे उसका पहले ही टेस्ट कर लेते हैं इसीलिए। ठीक है, टेटनस टॉक्सॉइड 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली उसे दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन टेटनस टॉक्सॉइड 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली शुड बी गिवन प्री ऑपरेटिवली इन एवरी यंग एंड एडल्ट पेशेंट। जो यंग हो चुके हैं, एडल्ट पेशेंट जो हैं, उनको ऑपरेशन से पहले 0.5 ml मसल्स में देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन को। टेटनस, आप लोगों ने तो टेटनस सुना ही होगा, कुत्ता काट ले या फिर आपको कोई लोहा से कट जाए, ठीक है, तो उन सभी में टेटनस होने की चांसेस रहती हैं। तो इसीलिए हम लोग टेटनस का इंजेक्शन तो बहुत किसी ने लिया होगा, तो ये तो आपको जानकारी होगी, इसके रिस्क से बचने के लिए आप ये ज़रूर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंजेक्शन लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, दिस टेस्ट हैज़ टू बी डन इफ़ द सर्जिकल प्रोसीडर इज़ प्लान्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया।
तो एनेस्थीसिया भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, पेरिफेरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, बहुत तरह की एनेस्थीसिया होती हैं, ठीक है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया यानी छोटे से किसी एरिया का अगर सर्जरी करना है, ठीक है, किसी लोकलाइज एरिया को सुन करने के लिए हम लोग इंजेक्शन देते हैं लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है, ठीक है, लोकल देंगे और फिर उतना दूर को ही सुन करेंगे और फिर वो ऑपरेट कर लेंगे। यानी छोटी सी सर्जरी के लिए हम लोग लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा जिसमें दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना हो तो, ठीक है। जैसे हाथ में गिल्टी हो गया तो उसके लिए अगर हाथ गिल्टी छोटा सा है तो उसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में करके और उस गिल्टी को निकाल देंगे, ठीक है, तो वो आसानी से हो जाएगा। तो ये जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया में होने वाली है जो सर्जरी, तो उससे पहले हम लोग लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को उससे एलर्जी है कि नहीं। अगर एलर्जी नहीं हुई तो हम लोग इसी में उसकी सर्जरी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उससे उसे कोई एलर्जी नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है, आसानी से लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी कर देंगे और वो अपनी बीमारी से भी ठीक हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एडमिनिस्ट्रिंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले जो डॉक्टर हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन को, प्रेस्क्राइब करेंगे पेशेंट को डॉक्टर, ठीक है, ताकि वो ठीक रहे, फिट रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस एज प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट, ठीक है। तो जो जो एडमिनिस्टर किए हैं डॉक्टर ने पेशेंट को दवाएँ, वो सभी वार्ड में चलाए जाएंगे ताकि वो सही रहे और अपने सर्जरी के टाइम में पूरा उसका जो वाइटल वगैरह है वो सब स्टेबल रहे और वो सही रहे, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इंश्योर कंप्लीशन ऑफ मिसिंग पेपर वर्क। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में क्या है हमारा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जैसे प्री एनेस्थेटिक चेकअप वगैरह पूरा हुआ और वो डॉक्यूमेंट एक तरह से तैयार हो गया, ठीक है, जितने ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए, जितने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुए, ECG हुआ, जितने एलर्जिक टेस्ट हुए, सेंसिटिविटी टेस्ट हुए, वो सारा का डॉक्यूमेंट बन गया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, जो भी असेसमेंट किए साइको सोशल हो गया, उसका जो फिजियोलॉजिकल मेंटल, उसको किस तरह से सर्जरी करना है, जनरल में करना है या लोकल में करना है, रीजनल में, वो सब हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, उसका एक पूरा फाइल बन जाता है, वही है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और उसकी जो जांचें हैं, अगर वो उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है तो वो एक तरह से मिस है, वो सारा जो पेपर है वो तो अभी मिस है ना, नहीं है अभी वो, तो उन सभी मिसिंग पेपर वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है, वो सभी रिपोर्ट को उसमें वो अच्छे से फाइल में आ जाए, ठीक है, वो सारे रिपोर्ट को मंगवा लेने हैं पेशेंट से, आ जाएंगे तो वो प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फाइल और उसके बाद अच्छे से सर्जरी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी जो डेट है दिया गया है पेशेंट को, वो सर्जरी उस डेट पे अच्छे से कर दी जाएगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑन द डे ऑफ सर्जरी प्रायर टू द सर्जिकल प्रोसीडर। सर्जिकल प्रोसीडर जिस दिन सर्जरी होने वाली है उस दिन सुबह में क्या क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है हाइजीन, बेसिक हाइजीन मेजर प्रोवाइड एडिशनल कम्फर्ट बिफोर सर्जरी, ठीक है। यानी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग नहाते हैं, ठीक है, डेली नहाना और कभी कभी नहाना, तो डेली नहाने वाले से पूछिए आपको कितना अच्छा फील होता है, ठीक है, एकदम एक अलग तरह का कंफर्टेबल लेवल आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिक हाइजीन मेजर प्रोवाइड एडिशनल कंफर्ट बिफोर सर्जरी। तो जो हाइजीन, अगर वो अच्छे से फ्रेश हुआ, अगर वो अच्छे से नहा लिया तो उसे एक बहुत ही कम्फर्टेबल फीलिंग आएगी, अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमारा है बाथ प्रो या फिर प्रोवाइड क्लीन हॉस्पिटल गाउन, अच्छे से क्लीन जो है वो जो गाउन प्रोवाइड किया जा रहा है OT से, वो उसको दे दिया जाए, वो पहने और अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होकर आया हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो है सेफ गार्डिंग वैल्यूएबल्स। इफ पेशेंट हैव एनी वैल्यूएबल्स द स्टाफ शुड गिव देम टू फैमिली मेम्बर्स फॉर सेफ कीपिंग। अगर पेशेंट कोई सोने चांदी के जवाहरात यानी ज्वेलरी पहन के आते हैं, गहने पहने रहते हैं नॉर्मली सब लोग, ठीक है, वो पहन के अगर OT में आ गए, उन्हें पहले ही समझा दिया जाता है कि आपको ये पहन कर नहीं आना है, लेकिन ध्यान नहीं रहा या फिर कोई सोचे क्या इससे हो जाएगा कि फिर भी वो पहन के आ गए,
तो ये जो वहाँ के स्टाफ है उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे निकालें और फिर निकलवा दें या फिर खुद निकाल दें और क्या। निकालने के बाद वो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को यानी अटेंडेंट्स को दे दें ताकि वो सुरक्षित रहे उनके पास, ठीक है। ऑपरेशन के बाद जिन जिस पेशेंट का है उसको वो मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि उसके हाइजीन का ध्यान रख लिए, उसको समझा देंगे हाइजीन अपना अच्छे से फ्रेश होकर नहा धोकर आए। फिर है कि सेफ गार्डिंग वैल्यूएबल्स हो गया, यानी जो भी वो पहन कर अगर आ गया है तो वो उसके मेंबर्स फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग द बवेल एंड ब्लेडर, ठीक है। बवेल यानी कि इंटेस्टाइन, हमारी जो आते हैं वो साफ़ होनी चाहिए, प्रिपेयर है, ठीक है, वही प्रिपरेशन है उसका, साफ़ हो। ब्लेडर जो है वो साफ़ हो, ठीक है। तो द पेशेंट में रिक्वायर्ड एन एनिमा, ठीक है, एनिमा हो गया, और कैथेटर इन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी से पहले वार्ड में उसे कैथेटर, फॉली कैथेटर जो होता है, पाइप होता है, ठीक है, वो डाला जाता है ताकि जो उसका यूरिन हो वो पास हो जाए, ठीक है। अगर वो खुद से नहीं जा पा रहा है, उसकी सीरियस कंडीशन हो, तो उसे कैथेटर डालना रहता है, ठीक है। या फिर जिसकी लॉन्ग टर्म सर्जरी के बाद जिसको बहुत दिनों तक बेड पे रहना है तो उसमें कैथेटर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रोसीडर। इनेमा भी देते हैं, ठीक है। इनेमा क्या है कि एक तरह का वो सेट होता है जिसमें एक बैग होगा, इनेमा बैग, उसके ऊपर क्या होता है कि नोजल होता है, तो और उसमें फ्लूड रहता है, वो जो बैग है उसमें सलाइन फ्लूड रहेगा, सोडियम ब्रोमाइड रहता है। तो ये जो एनीमा है वो एक तरह का टेक्निक है, ठीक है। देखिए, एन एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ टेक्निक यूज टू स्टिमुलेट स्टूल इवेक्यूएशन, इट इज़ अ लिक्विड ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू रिलीव सीवर कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो ये एक तरह का लिक्विड ट्रीटमेंट है। एनीमा क्या, लिक्विड ट्रीटमेंट है। एक एनीमा बैग रहेगा, उसके ऊपर नोजल रहता है, तो नोजल को निकालना है और एनस के थ्रू 3-4 इंच जो है अंदर, ठीक है, डालना है ताकि वो रेक्टम तक पहुंच जाए। रेक्टम तक पहुंच जाएगा तो वो जो बैग है उसको वो दबाना है, स्क्वीज करना है, ताकि उसमें जो सलाइन है, फ्लूड है, सोडियम ब्रोमाइड और सलाइन, वो उसमें जाए, रेक्टम में पहुँचे, और फिर क्या हो जाए, उसका जो है वो साफ़ हो जाए बवेल, ठीक है। वो जाएगा तो उसे स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, वो ये लोअर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, तो ठीक है, वहाँ पे जाता है तो वो साफ़ हो जाता है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसकी थोड़ी देर के रिलीव हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीडर है। तो ये सारा जो था वो प्री ऑपरेटिव केयर के अंडर में था, जिसे इसमें हमारा प्री एनेस्थेटिक चेकअप और जो भी असेसमेंट थे, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क था, और जो पेशेंट को समझाया जा रहा है ताकि वो पूरी मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब पूरी तरह से वो फिट हो सर्जरी के लिए, कोई टेंशन ना ले, रिलैक्स फील करे, ठीक है, ताकि उसकी सर्जरी सक्सेसफुली हो पाए और वो सर्जरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा प्री ऑपरेटिव केयर था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।